दोस्तों हमारे को 10 मई 2019 CHB EST 19/239 राज्य लोक सूचना अधिकारी कम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नागरिक हॉस्पिटल बैरी, शायद ये झज्जर है एरिया हरियाणा में, तो वहाँ से RTA रिप्लाई है, उसकी हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों हमने मांगा था कि गिव दैट नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑर्डर नोटिस जेरोक्स कॉपी दीजिए किसी भी सेंटर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और यूर स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट का, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज और फर्स्ट एड कोर्स जो कि वॉलंटियर्स ने किया हो या रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एल्मा एटा डिक्रेशन 1978 के मुताबिक किया हो, अगर कोई जेरोक्स या कोई डॉक्यूमेंट ये कहता है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर कोर्स या प्राथमिक उपचार कोर्स या ये CMACD कोर्स या कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स बैंड है इस स्टेट में, और इसका ऑर्डर सभी CMO को अगर दिया गया है, माननीय CMO को, इन वायलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जो केस नंबर अपील सिविल 152/94 के मुताबिक जो 14/2/2003 जजमेंट हुई थी, अगर उस गाइडलाइंस के मुताबिक ये कोर्स बैंड है तो हमें बताइए कि यो बैन करने वाला जो ऑर्डर है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, अगर है तो हमें उसकी फोटोस्टैट दीजिए। अब दूसरा प्रश्न था गिव जेरोक्स लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, तो NGOs जो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं कम्युनिटी मेडिकल सर्विस प्राथमिक उपचार में एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ऑन दी गाइडलाइंस ऑफ एल्मा एटा प्राइमरी हेल्थ केयर पॉलिसी ऑफ WHO, तो ऐसी संस्थाएं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉज को परपेचुएट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, उनको अगर कोई किसी ने बैन किया तो उसकी फोटोस्टैट दे दीजिए। तीसरी चीज गिव्स रॉक्स लिस्ट ऑफ वॉलंटियर, तो वॉलंटियर्स की जेरोक्स लिस्ट दे दीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर में जिन लोगों को 420 इंडियन पेनल कोड के अंडर वायलेशन, मतलब उनको उनका उन पे केस दर्ज हुआ है, तो ऐसे वॉलंटियर जो प्राथमिक उपचार करते थे WHO पॉलिसी की गाइडलाइंस के मुताबिक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। चौथी इंफॉर्मेशन हमने मांगी कि एड्रेस दीजिए जहाँ पे कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज वॉलंटियर डिप्लोमा नेचुरोपैथिंग एंड योगा ID पासड आउट वॉलंटियर आपके स्टेट में रजिस्टर्ड होते हों। नेक्स्ट हमें जेरोक्स दीजिए उस डॉक्यूमेंट की जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फर्स्ट एड वॉलंटियर फर्स्ट एड पोस्ट एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो रिकॉग्नाइज पैथी में प्राथमिक उपचार दे रहे हैं उनको CA एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करने से रोका गया हो तो ऐसा डॉक्यूमेंट। F गिव्स रॉक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और एक्ट, ऐसा एक्ट की कॉपी दीजिए या कोई ऐसा ऑर्डर की कॉपी दीजिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर वॉलंटियर जो कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से पास हुए हों, CMACD हों या कम्युनिटी हेल्थ हो या, तो उनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से पास करने के बाद उनको स्टेट सिविल हॉस्पिटल PHC और या CHC जो डिस्पेंसरीज होती हैं उनको एडिशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए किसी ने रोका हो तो वो कृपया बताइए। तो ये नेक्स्ट H है गिव लिस्ट ऑफ OTC मेडिसिन, लिस्ट बताइए OTC मेडिसिन की मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन और आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन और होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन में जिसमें
आशा वर्कर जो हैं आपके स्टेट में रूरल डिस्पेंसरी में जो काम करते हैं उनको कौन सी लिस्ट ओटीसी मेडिसिन की दी जाती है। और लास्ट है गिव्स रॉक्स ऑफ रेगुलेशन इन यूएस स्टेट एड्रेस ऑफ रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने वाली कोई रेगुलेटरी बॉडी है उसका एड्रेस दीजिए, जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इलेक्ट्रोमोपैथी, नेचुरोपैथी एंड अदर अल्टरनेटिव मेडिसन पैथी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसन में लिस्टेड नहीं है उनको रेगुलेट करती हो। तो आगे से जो जवाब आया वो आपको सुन के सरप्राइज होगा। आगे का जवाब था, आगे का आरटीआई रिप्लाई, बिंदु ए से एफ तक मांगी हुई सूचना नागरिक हॉस्पिटल बैरी के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, ए से एफ तक मांगी हुई सूचना नागरिक हॉस्पिटल बैरी के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, आपको सामने ये डॉक्यूमेंट नज़र आएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी है शीशे की तरह। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के संदर्भ में सिविल सर्जन जज्जर के पत्र क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर RTI 2019 647655 दिनांक 26/4/2019 के द्वारा मांगी गई सूचना निम्नलिखित दर्शाई गई है। बिंदु ए से एफ तक मांगी गई सूचना नागरिक अस्पताल बैरी के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसकी फोटोस्टैट दी जा सके। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इससे अभिप्राय ये है, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।